तो बॉलीवुड के भाईजान के जीजा जी का मूवी रिलीज हुआ है और मूवी का नाम है रुस्लान। रुस्लान में हमें लीड रोल में नजर आते हैं आयुष शर्मा। और ये कैसी मूवी है इस पे आराम से विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले तुम लोग 3000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो, हम लोग बस 50 सब्सक्राइबर दूर हैं उससे। तो अब बात करते हैं रुस्लान मूवी के बारे में जो कि आज ही के दिन रिलीज हुई है। रुस्लान का दो लाइफ होता है। रुस्लान एक तो पहले दुनिया के सामने म्यूजिशियन होता है, ऊपर से उसकी एक हिडन आइडेंटिटी भी होती है जो कि रॉ एजेंट की होती है। वो इंडिया के रॉ एजेंसी में काम करता है और अलग अलग जगहों पे जा कर के अलग अलग मिशंस को अंजाम देता है दुनिया भर में। उसके पिताजी का रोल, एक तरह से बोल सकते हो पिताजी का रोल, जगपति बाबू ने किया है और उनका भी एक बहुत ही अहम रोल है लास्ट के सीन में जा कर के। तो होता क्या है कि रुस्लान का एक पास्ट रहता है, बहुत कुछ रहता है जो कि वो उससे उभरना चाहता है, निकलना चाहता है और वो उसको हॉन्ट करती रहती है। साथ ही में वो एक डेडली असैसिन टाइप का भी बंदा रहता है जो रॉ के लिए काम करता रहता है। तो दोहरी लाइफ वो जिंदगी जीते रहता है। और इसमें एक चीज़ पर्सपेक्टिव उसकी दिखाई गई है कि वो अपने आप से भी लड़ता रहता है, एज अ स्टारडम वगैरह भी बहुत बवाल रहता है उसका। और जो वो वर्ल्ड टूर के नाम पे मतलब असैसिन्स की तरह जो चीज़ों को अंजाम देता है, वो भी एक तरह से उसका अलग ही लाइफ स्ट्रेटजी चलती रहती है, लाइफ वे ऑफ लाइफ उसका अलग रहता है। बात करें अगर मूवी की तो मूवी ठीक ठाक सी है। हाँ, मतलब इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको देख करके तुम एक्साइटेड हो गए। मतलब मूवी ऐसी भी नहीं है कि तुमसे देखा ही नहीं जाएगा कि यार क्या ही देख लिया, अब ऐसा वाला सीन भी नहीं है। मूवी डिसेंट इनफ है, वेल टू डू इनफ है, मतलब एक बार देख सकते हो वैसा, बट तुमको ज़्यादा एक्साइट भी नहीं करेगी और ना ही तुम्हारे लिए कुछ नयापन, कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन लेकर के आएगी सामने जो तुम देख करके एक्साइटेड होगे। मतलब ये ऑलमोस्ट 2 घंटे की मूवी है और 2 घंटे में तुम टिपिकली बीच बीच में बहुत बोरिंग सा सीक्वेंसेस आ जाते हैं और तुम बोर होते हुए भी नज़र आओगे, मतलब तुमको उतना मज़ा नहीं आएगा। इस मूवी की जो सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है वो यही है कि एक्शन मूवी होने के बावजूद भी बहुत स्लो फील होता है, तुम बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तुम चाहोगे कि सीक्वेंस आगे बढ़े। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सीन्स, एक्चुअली कुछ कुछ गाने बहुत ही एकदम पेचीदा लगते हैं कि क्यों डाल दिए गए हैं इस जगह पे। इट कैन हैव बीन बेटर, वो चीज़ें और बेहतर किया जा सकता था और कुछ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, बट गानों का टाइमिंग, गानों का सीक्वेंस बहुत ही बोरिंग है, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एकदम लीचर सा, लीथर सा गाना है, गाना भी अच्छा नहीं है। और ऊपर से जिस टाइम पे वो फिल्माया गया है, जिस टाइम पे वो मूवी में डाला गया है, वो भी तुमको इरिटेट करता है कि यार इससे बेटर हो सकता था, या तो इतने गाने ही नहीं डालने थे, या अगर तुमने डाले हैं क्योंकि एज अ म्यूजिशियन है वो, तो भाई गाने तो अच्छे डालते जिससे कि ऑडियंस एटलीस्ट गानों को पसंद करती। बात करें एक्टिंग की तो एक्टिंग सबने ओके ओके की है। आयुष शर्मा थोड़े बेटर लगे हैं, जगपति बाबू जैसे लगे हैं, जैसा वो मतलब पुराने फिल्मों में लगते थे वैसे लगे हैं। सुश्री मिश्रा भी ठीक ठाक लगी हैं, बाकी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल भी ठीक ठाक है। एक चीज़ जो मैं बोलूँगा इसमें तुमको, अगर तुम एज अ व्यूअर देखने जाओगे मूवी को, तो तुमको आयुष शर्मा की एक्टिंग में, वे ऑफ वॉकिंग, जो एक बॉडी लैंग्वेज में, वो सलमान खान की झलक आई है, वो दिखता है, वो प्रॉपर तुमको विजिबल होगा कि यार ये उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या वो इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि तुम अगर एक सलमान खान की वांटेड वगैरह या अभी हाल फिलहाल की राधे वगैरह, जो अगर राधे किसी ने ही तो देखी होगी, पता नहीं किसने देखी होगी, बट अगर तुमने देखी है सलमान खान की ज़्यादातर मूवीज़, तो वो एक जो जिस बॉडी लैंग्वेज से वो परफॉर्म करते हैं वही बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर डाला गया है, जो कि तुमको एक तरह से लाइक माइंड में सबकॉन्शियसली ये ऐड कर देता है कि बंदा ये कॉपी किया गया है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हाल फिलहाल में वो सलमान खान के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे थे फॉर ऑब्वियस रीज़न, बट वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि वो जो चार्म है, वो जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सलमान खान इसलिए पुल ऑफ कर पाते हैं क्योंकि वो सलमान खान है, उनका स्टारडम उस लेवल पे है। आयुष शर्मा वो पुल ऑफ नहीं कर पाए हैं, या तुमको लगेगा कि कॉपीड है, क्योंकि आयुष शर्मा अभी खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो झलक जाती हैं। हाँ, मुझे पता है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहे होंगे, बट अगर तुम किसी बंदे के साथ, उसके साथ रहते हो, उससे कुछ सीखते हो, तो यू कैप्चर समथिंग अबाउट दैट पर्सन, वो तुम में इनहेरिटेडली आ जाता है, तुम मतलब पता भी नहीं चलता तुमको और तुम वो अडेप्ट कर लेते हो। शायद आयुष शर्मा के साथ यही हुआ होगा।
सुश्री मिश्रा भी ठीक ठाक लगी हैं, मतलब उनका अपना काम है, डिसेंट सी लगी हैं, पहला फिल्म है उनका तो कुछ ज़्यादा बात करना उन पर बनता नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है उन्होंने किया है जिसे तुम इम्प्रेसिव बोल सकते हो उनको। सी इज़ डिसेंट इनफ, गाने वाने में अच्छा किया है, थोड़े से एक्शन सिक्वेंस में, मतलब इंडियन एक्ट्रेसेस को लेकर के एक्शन सिक्वेंस ज़्यादा कोई कर भी नहीं पाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट ठीक है यार, मतलब काम चलाओ वाला बोल सकते हो तुम कि काम चल सकता है, वैसा ही रहा है, इससे ज़्यादा कुछ इसको बोल नहीं सकते हो और इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लास्ट में जो मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ लगी जो इसको मतलब एक एसेंस प्रोवाइड करती है कि वो थोड़ा थोड़ा कोशिश किया है इन्होंने कि ये थ्रिल प्रोवाइड करें, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएँ। हालांकि तुम बहुत सारी चीज़ों को मैं ही नहीं, जो मेरे साथ भी गया था वो भी प्रेडिक्ट कर पा रहा था क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा यहाँ पे और क्यों होगा। एंड इट्स लाइक अ बॉलीवुड ट्रेंड कि तुम प्रेडिक्टिबिलिटी को इतना अच्छे से समझ पाते हो कि बॉलीवुड को, कि तुम समझ लेते हो कि हाँ क्या करने वाले हैं और किस डायरेक्शन में ये सोच सकते हैं, तो वही होता है। बट इट्स डिसेंट इनफ, ठीक ठाक वाला है कि तुमको पता भी चल जाएगा तो तुम उसको बेयर कर पाओगे कि हाँ ठीक ही है ना यार, ठीक है सब में तो यही करते, तो इसमें भी कर दिया तो क्या गलत किया। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस मूवी में। एक कैमियो है सुनील शेट्टी का, वो ज़्यादा अच्छा कैमियो है, मतलब मस्त कैमियो है। वो कैमियो का जो सिग्निफिकेंस था वो कुछ अलग ही था, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो अलग था, बट जो एक्चुअल उसका जो कैमियो है वो अच्छा है। मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुमको टिपिकल बॉलीवुड वाइब देंगी और ये मेरे को लगता है कि भाई अब बॉलीवुड को एटलीस्ट वो सिनेमा अगर चाहती है कि हॉलीवुड से कम्पीट करे, क्योंकि व्यूअर्स हैं, लेकिन अब तुम डिसेंट मूवी नहीं बनाओगे, थोड़ा सा स्टेप और आगे नहीं लोगे, कुछ अच्छा नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक कि मूवी चलने वाली है। वहीं जहाँ पे कल की RRR जैसी मूवीज एकदम हॉलीवुड लेवल पे बन रही हैं, वहीं ये मूवी कुछ रूट्स को पकड़ के बैठी हैं जो कि अच्छा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि रोज जो रूट्स हैं वो अच्छे रूट्स हैं, वो प्रॉपर डिसेंसी देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब तुमने जो गलत चीज़ें हैं जिससे ऑडियंस उभर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, तुम उसी को पकड़ के बैठे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। दे आर सम थिंग्स यू नीड टू चेंज एज अ, जो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी में भी सेम चीज़ हुआ कि भाई गोलियाँ चल रही हैं ऑडियंस, मतलब हीरो को कुछ नहीं हो रहा है, खरोच तक भी नहीं आ रहा है कुछ भी, लाइक तुम चलवाओ गोलियाँ, 50 गोलियाँ चलवाओ, बट उसको थोड़ा तो मार धार, मतलब लगे उसको चोट तो लगे। बींग सेड दैट, भाई एक्शन बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्शन कोरियोग्राफर को नहीं बोलूँगा कि भाई तुमने घटिया काम किया, नहीं, एक्शन उसने बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया, तुम्हें पसंद आएगा एक्शन सिक्वेंसेस। एंड एक्चुअली इसमें दिखता है कि जो आयुष शर्मा है उन्होंने अपने बॉडी पे, उन एक्शन सिक्वेंसेज पे, वो थोड़े से एक्सप्रेशन पे, वो एक्शन सिक्वेंसेज के बाद जो कि बहुत ही घटिया थी पहले, अब उन्होंने उस चीज़ पे काम किया है और बेटर बने हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब इस पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया है पिछले मूवी के कंपेरेटिवली, बट वो अभी भी इतना इम्प्रेसिव नहीं है कि तुमको इतना अच्छा लगेगा जितना वो होना चाहिए। जहाँ अब चीज़ें मतलब आउट ऑफ द पार्क सेट हो रही हैं इंडियन मूवीज़ में, अलग अलग मूवीज़ में, रीजनल मूवीज़ में कहानियाँ एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनी पड़ी हैं उसमें, तो तुमको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ इट्स नॉट अबाउट लाइक कि सिक्स पैक एब्स और तुम फ्लाइंग किक मार रहे हो, इट्स लाइक कि तुम उसमें कितना डिसेंसी इन्वॉल्व करते हो, कितना रियलिस्टिक तुम उसको फील करवा देते हो, तो वही चीज़ है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ एक मतलब शब्द में ऐसा पिरो के डालूँ कि मूवी डिसेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम बोल सकते हो, बट ठीक है, मतलब जाओ तुम देखो एक बार देख करके, मतलब अगर तुमको कुछ नहीं करना है इस वीकेंड पे, कोई काम नहीं है, तो ये मूवी देख सकते हो तुम। इसके अलावा उतना कुछ खास है नहीं और उतना कुछ बकवास भी नहीं है, मतलब मीडियोकर मूवी है सीधा सिंपली समझो तुम। तो यही था मेरा रुस्लान को लेकर के रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो तो, ना पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना क्या नहीं पसंद आया। मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे शोज़ और मूवीज़ वगैरह के लिंक प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, 3000 सब्सक्राइबर पूरे करवा देना, हम लोग बहुत क्लोज हैं उसके। अपना और अपनों का ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।